अभी बसंत पंचमी बिल्कुल करीब है। बसंत पंचमी की स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रसाद की रेसिपी, वो है पीला वाला मीठा राइस। और इसे प्रेशर कुकर में कैसे खिला खिला बनाएंगे वही आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये बहुत ही आसान सा रेसिपी है, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक कप चावल। यहाँ पर मैंने रेगुलर राइस लिया है, आप चाहे तो बासमती राइस ले सकते हैं। इसके साथ हम ऐड करेंगे 1/4 कप मूंग दाल। इसे पहले 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसके अंदर स्टार्च जो है अच्छी तरह से धुल जाएगा। धुलने के बाद इसे ऐसे ही छोड़ दें ताकि इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। नेक्स्ट गैस पे कुकर चढ़ा लेना है। अब इसके अंदर डालना है 2 स्पून घी। इस तरह घी को चारों तरफ फैला लेंगे। नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे काजू, बेलीफ, दालचीनी, सौंफ, ब्लैक पेपर। घी अच्छी तरह से गर्म होने के बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में बादाम, किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। इस कलर में आने के बाद हम ऐड करेंगे चावल। चावल को भी घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। चावल में थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद हम ऐड करेंगे पानी। यहाँ पे पानी को अच्छे से गर्म करके डालेंगे ताकि कुकिंग प्रोसेस भी जल्दी हो जाएगा और चावल खुले खुले बनेगा। यहाँ पे 1 कप चावल के लिए 2.5 कप पानी डालना है। नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी। चीनी को अपने स्वाद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब ये ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक, ये ऑप्शनल है, नहीं चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे केसर। पहले से केसर को मैंने पानी में भिगो के रख लिया है। नेक्स्ट हम इसके अंदर कलर के लिए ऐड करेंगे नेचुरल कलर, वो है हल्दी। फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 2 सीटी लगा लेना है, एक हाई फ्लेम में रख के एक लो फ्लेम में रख के। दो सीटी आने के बाद गैस ऑफ कर लेना है। पूरा प्रेशर जाने के बाद इसका लिड खोलना है। अब लिड खोल के देख लेते हैं एक इस तरह बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा खिला खिला बना है और बहुत ही सुंदर सा कलर भी आया है। आप लोग जरूर ट्राई करिए ये रेसिपी इस बसंत पंचमी को। और कैसे बना है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आपका मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक न्यू वीडियो के साथ न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।